अपने फैक्ट्री के अंदर कैसे होना चाहिए, अपना रवैया कैसे होना चाहिए, हम लोगों को बॉस कैसे बनना चाहिए, अपने को मैनेजर से जीएम कैसे बनना चाहिए, अपने को प्राइवेट लिमिटेड से प्रोप्राइटरी कंसर्न से प्राइवेट लिमिटेड कैसे जाना चाहिए, प्राइवेट से अपने को आईपीओ कैसे लेके आना चाहिए, 2 से 10, 10 से 15, 20 से 50 का कार्यक्रम कैसे चलाना चाहिए, इसका थॉट प्रोसेस पिक्चर क्लियर होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, एटीट्यूडल चेंज, एक शिफ्ट लेनी पड़ेगी। जब हम लोग फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड तक थे तो 10th स्टैंडर्ड तक जाने के लिए अपने को एक एटीट्यूड लगा, इसके बाद में हम लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन ग्रेजुएशन करने के टाइम का एटीट्यूड चेंज हुआ होगा, शिफ्ट हुआ होगा। ओबामा साहब के अंदर वो क्षमता थी, इकोनॉमिक क्राइसिस जब अमेरिका का सबसे इंटरनेशनली सबसे बड़ा क्राइसिस आते गया तो 8 लाख जॉब्स की कटौतियां हर महीने में हो रही थी अमेरिका के अंदर, उसके पास से कहां से कैपेबिलिटी आई होगी, कमिटमेंट, अपना खुद का कमिटमेंट, यस आई विल डू इट। एक सलमान खान का जबरदस्त डायलॉग है, मैं कमिटमेंट करने के बाद अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। मैं ये सोचता हूं मेरे ग्रुप में से, मेरे दायरे में से जितनी भी कंपनियां हैं या आने वाली है, वो सारी की सारी 1000 करोड़ के ऊपर जानी चाहिए एक बार जिंदगी में। मैं उस दिन जिंदगी में एक बहुत जबरदस्त सांस ले लूंगा। कुछ कार्यक्रम मैं इसके लिए चला रहा हूं, जो 2 करोड़ पे है 5 करोड़ पे चले जाए, जो 3 करोड़ पे है 10 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़ की बात करें, जो प्राइवेट लिमिटेड है पब्लिक लिमिटेड फॉर्मेशन की बात करें, जो प्रोप्राइटरी कंसर्न पे है वो प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, जो आज एक्सपोर्ट्स में एक इंडिया में है, खाली इंडिया में बैठ के नहीं चलेगा, दुबई में ऑफिस खोलना पड़ेगा, दुबई से फिर अपने को सऊदी में जाना पड़ेगा, रशिया में जाना पड़ेगा, तभी जाके काम बनेगा, ये सोच, ये फिल्म बनानी पड़ेगी। इसका मैं आपको एक जबरदस्त उदाहरण दूंगा आने वाले कुछ स्लाइड्स के अंदर। डियर फ्रेंड्स, क्रिएट न्यू पिक्चर्स विच आई ऑलरेडी ब्रीफ, एक उदाहरण देके वी विल प्रोसीड टू ए टी ब्रेक। डियर फ्रेंड्स, माइकल जैक्सन को एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि डियर माइकल, हाउ डू यू फील दैट यू आर डांसिंग इन फ्रंट ऑफ सो लैक्स ऑफ पीपल एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने जवाब दिया था, आई हैड ड्रीम। सेम क्वेश्चन लता मंगेशकर मैडम को पूछा गया था, मैडम आप इतने स्टेडियम के सामने, इतने हजारों लाखों लोगों के सामने एक समय इतना अनडॉन्टेडली गाने का कैसे सोच सकती हो, कैसे गा सकती हो। उन्होंने सेम बात कही थी, मैंने ये सोचा हुआ था, मेरे दिमाग के अंदर बहुत पहले से मुझे मालूम था कि मैं ये काम करूंगी। क्या मुझे लता मंगेशकर का आवाज तो नहीं आता है? डियर फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ मिमिक्रिस्ट, बट डियर फ्रेंड्स, दिस वॉज सम ऑफ द कन्वर्सेशन आई हैड हर्ड लॉट ऑफ इयर्स बैक। ये मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, देखो सोच, इन्होंने सोचा था, ड्रीम किया था, इमेजिनेशन किया था, अपने फैक्ट्री के अंदर कैसे होना चाहिए, अपना रवैया कैसे होना चाहिए, हम लोगों को बॉस कैसे बनना चाहिए, अपने को मैनेजर से जीएम कैसे बनना चाहिए, अपने को प्राइवेट लिमिटेड से प्रोप्राइटरी कंसर्न से प्राइवेट लिमिटेड कैसे जाना चाहिए, प्राइवेट से अपने को आईपीओ कैसे लेके आना चाहिए, 2 से 10, 10 से 15, 20 से 50 का कार्यक्रम कैसे चलाना चाहिए, इसका थॉट प्रोसेस पिक्चर क्लियर होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, एटीट्यूडल चेंज, एक शिफ्ट लेनी पड़ेगी। अपना जो 10 लाख से लेके 2 करोड़ का कार्यक्रम था उसके लिए अपने को एक एटीट्यूड काम में आया। उससे पहले एक और उदाहरण लेता हूं, जब हम लोग फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड तक थे तो 10th स्टैंडर्ड तक जाने के लिए अपने को एक एटीट्यूड लगा, उसके बाद में हम लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन ग्रेजुएशन करने के टाइम अपने को कोई भी हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, डॉक्टरेट हो, मैडम यू आर ए डॉक्टर हियर, कोई भी हो, लेकिन आपका एटीट्यूड चेंज हुआ होगा, शिफ्ट हुआ होगा, आपको कुछ अलग सोचना पड़ा होगा, कुछ अलग कार्यक्रम चलाना पड़ा होगा, कुछ थॉट प्रोसेस आपने डाली होगी जब एडमिशन दिया होगा। बिजनेस बढ़ाने के लिए भी एक लेवल से दूसरे लेवल का एटीट्यूड कैरी करना पड़ेगा। सुभाष चंद्र शो जो जी टीवी पे आता है उसमें उन्होंने जबरदस्त एग्जांपल दिया, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा।
जो जिन लोगों ने देखा है उन लोगों ने देखा होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि जी ग्रुप तीन लोगों को ऐसे ढूंढ रही थी जहां से जी ग्रुप को नेक्स्ट लेवल पे जाना। जब हम लोग एक 800 करोड़ 1000 करोड़ रुपए थे तब हमको उससे आगे बढ़ना था, तो हम लोगों का जो एग्जिस्टिंग जो पूरा स्टाफ था, एग्जिस्टिंग जो आइकॉन्स थे हमारे पास, वो ऐसा नहीं है कि वो हमको नहीं लेके जा सकते थे, लेकिन हमारे खुद के अंदर भी वो ईंधन नहीं था। हम कुछ ऐसा ईंधन ढूंढ रहे थे, टैलेंट ढूंढ रहे थे जो हमको उस मकाम तक लेके जाएगा। तो हम लोगों ने उन तीन शख्स लोगों को ढूंढने का कार्यक्रम चलाया, एंड आई एश्योर यू दैट वॉज द रीजन दे आर टूडे बिगर ग्रुप देन दैट। देखो जैसे जैसे मेरी कंपनी आगे जा रही है, मैं भी नए नए कार्यक्रम लेके आ रहा हूं। कंपनियों को आगे बढ़ना है, क्यों कार्यक्रम लगा रहा हूं, आगे बढ़ना पड़ेगा लेवल से आगे। एटीट्यूड अलग था, ये एटीट्यूड उनका था सुभाष चंद्र का, इसके लिए वो ऐसे आदमी को ढूंढे। देखो कितनी उनके अंदर जनरोसिटी थी, अपने खुद के शो में उन्होंने कमिट कर लिया कि हमारे अंदर वो ईंधन नहीं। अपने खुद के शो में, अपने खुद के चैनल पे कितनी बड़ी बात है कमिट करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। सुभाष चंद्र साहब ने जो कमिट किया, देखो ये एटीट्यूड है कि यस ये ईंधन मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो मुझे आगे लेके जाए। अपने को ये सोचना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, ये परिवर्तन लेके आना पड़ेगा। भले कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, कोई ओनर हो, डायरेक्टर हो, पावर ऑफ इमेजिनेशन पुट इन प्लान वे फॉर करेक्ट एग्जीक्यूशन एंड नॉन स्टॉप एटीट्यूड। सर धीरूभाई अंबानी साहब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाजिरा प्लांट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सक्सेसफुल प्लानिंग मींस एक्यूरेट इमेजिनेशन, सर रतन टाटा साहब बोले। आई वॉज टॉकिंग अबाउट कमिटमेंट। जो सारे लोग मैंने जो अभी बताए, इनके पास जो था देखने का नजरिया, उसके साथ में लगने वाले एफर्ट्स, उसके साथ में कितनी भी क्षमता लगे वो डालने की कैपेबिलिटी, रिस्क लेने की ताकत, इच्छा शक्ति और कमिटमेंट। एक कमिटमेंट था कि हाँ मैं ये करके चला जाऊंगा। नरेंद्र मोदी साहब ने सरकार हिला के रख दी कांग्रेस की, ये तो एक प्रैक्टिकल अनुभव एग्जाम्पल है हमारे सामने। उनके अंदर वो क्षमता थी, उन्होंने करके दिखाया। ओबामा साहब के अंदर वो क्षमता थी, इकोनॉमिक क्राइसिस जब अमेरिका का सबसे इंटरनेशनली सबसे बड़ा क्राइसिस आके गया, तो 8 लाख जॉब्स की कटौतियां हर महीने में हो रही थी अमेरिका के अंदर, उसके पास से कहां से कैपेबिलिटी आई होगी। कमिटमेंट, अपना खुद का कमिटमेंट, यस आई विल डू इट। एक सलमान खान का जबरदस्त डायलॉग है, मैं कमिटमेंट करने के बाद अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। ओ अब बात एक सलमान खान की, मैं जस्ट एक डायलॉग की बात कर रहा हूं, मैं कोई मेल मिलाप नहीं कर रहा हूं, लेकिन कमिटमेंट करने के बाद अपने आप की भी नहीं सुननी चाहिए। दिस इज द फैक्ट। 25 स्टेप्स लगे, 50 स्टेप्स लगे करने के लिए, 1 करोड़ से 2 करोड़ जाना है, 3 करोड़ से 5 करोड़ का विजन अचीव करना है, 5 से 10 का करना है, कुछ भी विजन, अपना कुछ भी विजन के साथ ही जाना है, कुछ भी हो जाए।